हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिल्ली सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने जो है ऑनलाइन एग्जाम के लिए परमिशन देने स्टार्ट कर दिए। जी हाँ, आठवीं तक के स्कूलों, आठवीं क्लास तक के जो हमारे बच्चे हैं दिल्ली में, उनको जो है ऑनलाइन एग्जाम के लिए परमिशन मिल चुकी है। तो अब बात करेंगे यार नाइन्थ और इलेवंथ का क्या होगा, तो नाइन्थ इलेवंथ के लिए भी जो है अब धीरे धीरे सारी चीज़ होंगी। तो दिल्ली सरकार जो है जल्दी से जल्दी नाइन्थ और इलेवंथ पर भी मतलब कि कोशिश करेगी, करेंगे हम भी सब कोशिश कर रहे हैं यार, बहुत सारे यूट्यूबर मिलकर मतलब कि भाई हम जो है ऐसी ऐसी वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि यार कहीं ना कहीं राज्य सरकारों पे जो है दबाव डालना चाहिए और आपकी भी यही कोशिश होनी चाहिए। आप भी कोशिश करो कि यार आप जो है छोटी छोटी वीडियो क्लिप के माध्यम से राज्य अपने जो है स्टूडेंट्सों के जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें शेयर करके ये जानकारी दो कि हम मैम या सर जो हम जो है ऑनलाइन एग्जाम के ही फेवर करेंगे और ऑफलाइन एग्जाम हमारे बस की नहीं है, हमें कोरोना का खतरा हो जाएगा तो बिना फालतू का मामला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब सबसे बड़ा मुद्दा तो यार ये है ना कि आपकी जो है अब तक क्लास जो है वो ऑनलाइन लगी है, अब एग्जाम भी ऑनलाइन हो जाए। झारखंड की तरफ से बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई थी, आपको पता होगा झारखंड बोर्ड ने क्या कर दिया, झारखंड बोर्ड ने मतलब कि सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन एग्जाम कर दिए हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा, ठीक है। उन्होंने कह दिया कि बोर्ड की क्लास को छोड़कर सभी का एग्जाम जो है हमारा ऑनलाइन होगा, झारखंड की तरफ से ये न्यूज आई थी, ठीक है, अभी कल परसों की न्यूज आई और बहुत ही ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेशन थी वो। और इसी तरह से जो हमारे दिल्ली सरकार ने भी अपनी ऑफिशियल गाइडलाइंस रिलीज कर दी है, अब इस दौरान आप गूगल पर हमने सर्च कर रखा है, टाइप कर रखा है और आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो है नवभारत टाइम्स ने अपनी गाइडलाइंस में लिख दिया है यहाँ पर, आठवीं तक के स्टूडेंटों को एग्जाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है, और यह 2020 और 21 के लिए लागू होगा। आप देख सकते हैं 18 घंटे पहले ये मतलब कि ये आर्टिकल इन्होंने लिखा है नवभारत टाइम्स का। अगला आर्टिकल की हेडिंग पढ़ के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, केवल मेन दिल्ली में जूनियर स्कूलों को लेकर बड़ा फरमान, आठवीं तक के बच्चों का नहीं होगा एग्जाम, क्या बात है, कितना अच्छा, मतलब इन्होंने शायरी भी सी भी मार दी। और देखिएगा आगे लिखते हैं कि दिशा निर्देश में साफ कहा गया है कि आठवीं तक के छात्रों के स्टूडेंटों के लिए बच्चों को स्कूल बुलाकर एग्जाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है जी, ये समझ में आ गया। एक हमने न्यूज, दो न्यूज का समझ में आ गया। india.com की गाइडलाइंस पढ़ते हैं, तो india.com ने लिखा है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले आठवीं तक के छात्रों के लिए बड़ी खबर, बिना परीक्षा के लिए हो जाएंगे प्रमोट, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, आपका प्रमोशन होगा आठवीं तक के स्टूडेंटों का दिल्ली सरकार ने आपके लिए कर दिया, ठीक है। जाने कैसे होगा मूल्यांकन तो हम नहीं जानते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी को आपको पता है इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आपका वो होना है। अब देखिएगा, अगर आप जानना ही चाहते हो तो आपको मैं बता देता हूँ, देखिएगा क्या होगा, आपके क्लास के अंदर जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में आपने जो भी एक्टिविटी करी है, यानी कि जो आपकी वर्कशीट आती थी उसके आधार पर आप वर्कशीट जो है अपनी लिख कर भेज देते थे रोज, डेली आपका ये काम हो रहा है, तो उसके आपको 20 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, 20 से 30 नंबर मिलेंगे अलग अलग क्लास के। और जो हमारे स्टूडेंट जो हैं 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक अपनी वर्कशीट कराएंगे, 50-50 नंबर आपको उसके मिलेंगे, ठीक है, 50 नंबर उसके मिलेंगे। तो इस तरह से आपका वो होगा, जो वर्कशीट है यानी कि प्रैक्टिकल कह लो या असाइनमेंट कह लो उसे, प्रैक्टिकल का मतलब यही है कि स्कूलों में आप जो है स्कूलों के काम में जो है वो कर रहे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पंजाब केसरी की हेडलाइन है, तो इसने भी लिखा है केजरीवाल सरकार का फैसला, आठवीं तक के बच्चों का नहीं होगा एग्जाम, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, दूसरा आर्टिकल खोल के दिखाते हैं आपको पंजाब केसरी के बाद livehindustan.com का। तो आप देख सकते हो livehindustan.com ने लिखा है यहाँ पर, दिल्ली सरकार का फैसला, स्कूलों में नहीं होगी आठवीं तक के छात्रों की परीक्षाएं, असाइनमेंट से किया जाएगा पास, ठीक है, तो आपका भी प्रमोशन ही होना है, ठीक है। और देख सकते हैं news24online.com की तरफ से अगर हम आर्टिकल पढ़ के दिखाएं, तो आपको यहाँ भी आप देख सकते हैं इन्होंने भी लिखा है, दिल्ली स्कूल एग्जाम 2021 कक्षा आठवीं तक के छात्रों को नहीं देनी होगी परीक्षा, दिल्ली सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, ठीक है। तो इन्होंने भी यहाँ पर बता दिया है सीधा सीधा अपने अच्छी तरह से। और देखिएगा, इस न्यूज एजेंसी ने नीचे मेंशन करा कि कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से आयोजित करी जाएंगी, कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों का ऑफलाइन परीक्षाएं स्कूलों द्वारा तय किए गए प्रोग्राम के अनुसार होंगी, ठीक है। तो यार देखिएगा, मैं आपको बता दूं, वैसे तो मतलब कि 2-3 ने मतलब कि छापा है आर्टिकल में कि 9वीं और 11वीं के छात्रों का ऑफलाइन परीक्षाएं स्कूलों द्वारा तय की जाएंगी, ठीक है। ये न्यूज जो है हमारी news24 का है, news24 का आर्टिकल है, आप देख सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट का। और यहाँ पर उन्होंने लिख दिया कि 9वीं और 11वीं के छात्रों का ऑफलाइन परीक्षाएं स्कूलों के द्वारा तय किए गए कार्यक्रमों के अनुसार होंगी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, झारखंड ने 9वीं और 11वीं के स्टूडेंटों का एग्जाम जो है ऑनलाइन करवा दिया है पूरी तरह से, ठीक है, और 8वीं तक जो है दिल्ली में हो गया है, लेकिन 9वीं और 11वीं का जो है दिल्ली के अंदर और बाकी स्टेटों के अंदर भी जिनमें नहीं हुआ है। तो यार धीरे धीरे सारी चीज हो जाएंगी, बस आप जो है अपना हिम्मत मत हारो, धीरे धीरे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, पर सारी चीज हमारी धीरे धीरे होंगी, क्योंकि यार झारखंड ने जब निकाल दिया, केरला में भी बहुत सारे स्कूलों ने ऑनलाइन एग्जाम के लिए बात कर ली है। अब भारत लाइव्स डॉट न्यूज का आप देख सकते हो, अगर मैं इसका दिखा दूं तो इन्होंने भी लिखा है, आप देख सकते हो, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, कक्षा 8वीं तक के छात्रों के लिए कोई ऑफलाइन परीक्षाएं नहीं, ठीक है।
तो देखिएगा यहाँ पर इन्होंने बताया है, दिशा निर्देश में कक्षा तीन से लेकर पाँचवीं तक के स्टूडेंटों को 30 अंक का जो है वर्कशीट के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा और 30 जो है आपको विंटर ब्रेक में दिए गए जो असाइनमेंट हैं उसके लिए मिलेगा। और जो है आगे कह रहे हैं 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक जो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट होंगे उसके आपको 40 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने लिखा है। उसके बाद अगर हम देखें तो आप देख सकते हो 30 और 30 आपके कितने हो गए, 3 × 6 यानी कि 60 और प्लस 40 आपका 100 नंबर। ठीक है, तो 100 नंबर का इस तरह से आपका बनेगा 3 से लेकर 5वीं तक के जो हमारे स्टूडेंट हैं। अब बात कर लेते हैं 6ठी से 8वीं तक के स्टूडेंटों का, तो 6ठी से 8वीं तक का यहाँ पर देखिएगा लिख रखा है इन्होंने 20 नंबर आपको जो है वर्कशीट के आधार पर मिलेंगे और शीतकालीन अवकाश में दिए गए असाइनमेंट के लिए आपको 30 नंबर मिलेंगे। कितने हो गए आपके 50, 20 नंबर आपके कितने हो कहाँ के जी वर्कशीट के, ठीक है कार्य पत्रक बोलते हैं इसे हिंदी में, और असाइनमेंट के आपको 30 नंबर मिलेंगे। ठीक है, असाइनमेंट आपका जो है क्लास की एक्टिविटी जो है उसी के 30-20 नंबर मिलेंगे आपको, असाइनमेंट उसे ही कहेंगे जो आपने मतलब कि छोटी मोटी आपने फाइल बनाई होंगी अपने स्कूल में, अगर नहीं बनाई है तो टीचर जल्द से जल्द उनके ऊपर लोड आ चुका है वो आपसे बनवाना स्टार्ट कर देंगे। 50 नंबर हो गए और 1 से लेकर 15 मार्च तक की जो वर्कशीट आएगी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट आए होंगे उसके आपको 50 नंबर मिलेंगे, उसी के आधार पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, जिन स्टूडेंटों के पास इंटरनेट नहीं है उनके उन्हें जो है हार्ड कॉपी में जो है असाइनमेंट जमा करना होगा अपने स्कूल में जाकर। ठीक है, और इन्होंने देखिएगा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 महीने से आयोजित किए जाएंगे और कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों के ऑफलाइन परीक्षाएं स्कूलों द्वारा तय कार्यक्रमों के अनुसार होंगी। ठीक है, तो 9वीं और 11वीं के स्टूडेंटों के लिए भी सभी जो है न्यूज एजेंसी ने नीचे आर्टिकल में लिखा है कि 9वीं और 11वीं की ऑफलाइन परीक्षाएं होंगी, लेकिन दोस्तों देखिएगा हिम्मत मत हारिए, आपकी भी एग्जाम जो है ऑनलाइन हो सकते हैं। जब झारखंड बोर्ड और दिल्ली सरकार जो है 8वीं तक के स्टूडेंटों का ऑनलाइन एग्जाम कर सकती है तो 9th और 11th के स्टूडेंटों के लिए ऑनलाइन एग्जाम क्यों नहीं हो सकते, तो ये जरूर हो सकता है। बस यही कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, जय आपके लिए जो है हम अंतिम दम तक यार लड़ते रहेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको जो है हम जानकारी देते रहें, और इसके लिए जो हम कोशिश करते रहते हैं कि जैसे आप ट्विटर पे जो है कैंपेन चला सकते हो अपना #11th and 9th ऑनलाइन एग्जाम, 9th and 11th ऑनलाइन एग्जाम ऐसे हैशटैग चला सकते हो दिल्ली सरकार के खिलाफ, या मतलब कि जो भी है आपके जो भी सरकार है आपकी, बिहार सरकार ने भी कुछ नहीं अभी रिस्पांस दिया है तो सभी स्टेटों का यही है, एमपी ने भी कुछ नहीं करा, राजस्थान की तरफ से भी कुछ अपडेट नहीं आया, लेकिन झारखंड की तरफ से एक अच्छा खबर निकल गया। एबीपी न्यूज की तरफ से भी देखिएगा यहाँ पर इन्होंने छापा है अपना कोविड-19, यहाँ पर इन्होंने लिखा कोविड-19 दिल्ली सरकार में नर्सरी से लेकर 8वीं तक के सभी छात्र जो है अगली क्लास में होंगे प्रमोट। ठीक है, इन्होंने प्रमोट शब्द का इस्तेमाल करा है एबीपी न्यूज वालों ने। ठीक है, तो यही है इन्होंने लिखा, दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में केजी से लेकर 2री कक्षा तक और छात्रों के अगली कक्षा में प्रमोट कर दिए जाएंगे। हालांकि केजी से लेकर 2री कक्षाओं के छात्रों को शिक्षा निदेशालय के मूल्यांकन के लिए हमारे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है, तो यही है, तो यही मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी दोस्तों। और अगर आपको हमारा मत यार पसंद है, देखिएगा मैं तो यही चाहता हूँ कि आपके एग्जाम ऑनलाइन होने चाहिए 9th और 11th की। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि वो चाहते हैं कि हमारे एग्जाम ऑफलाइन होने चाहिए, और आप वीडियो को लाइक करके मुझे ये बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बताना जो ये चाहते हैं यार हमारे कि भाई हमारे एग्जाम जो हैं ऑनलाइन होने चाहिए, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम पता कर लेंगे, या हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप ये चाहते हो ऑनलाइन एग्जाम होने चाहिए। अगर ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं तो ऑफलाइन वाले यार वो बात ठीक है, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब कि पढ़ाकू समझ के अपनी चीज़ें समझ रहे होंगे, यार हमने पढ़ाई पूरी साल बहुत ही कठोर मतलब कि मेहनत से करी है और हमारे एग्जाम ऑनलाइन ले लेंगे तो हमारा क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मेरे भी यार यही डिमांड है ऑनलाइन एग्जाम होने चाहिए, लेकिन जो है ऑफलाइन एग्जाम जो स्टूडेंट कह रहे हैं यार वो गलत है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मतलब कि स्कूलों ने इस तरह की पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई, 2 दिन स्कूल जा रहे हैं आप और आपके एग्जाम जो हैं हो रहे हैं ऑफलाइन, ऐसे थोड़ी हो जाएगा 2 दिन स्कूल जाके हो गए चले गए स्कूल वालों ने बुला लिया किसी कारण से और भाई आप जो है ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हो, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो आपसे मैं यही कहूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और तब तक ले दीजिएगा हमें इजाज़त। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।